ये घटना अखबारों के माध्यम से मुझे भी मालूम हुई और इस विषय पर प्रशासन पूरी चौकन्ने है और इसके तह तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज इस विषय पर डीजीपी से हमारी बात हुई है और बहुत जल्द इसका मूल कारण क्या है वो सामने आप लोग के समक्ष रखा जाएगा। कि ये घटना निश्चित रूप से काफी जघन्य घटना है और कई बातें कि ये इस विषय पर क्या कार्रवाई हो रही है नहीं हुई है इसकी जानकारी हम कुछ समय बाद आपको समक्ष रखेंगे। अभी इसको कॉन्फिडेंशियली रखा जाएगा और हम लोग बहुत जल्द इसके अनुसंधान को पूरा करेंगे। सर, कल हुल दिवस भी है और रामेश्वर मुर्मू की सीबीआई जांच मांग को लेकर बीजेपी ने भी कल कहा कि वो धरना देगी, विरोध जताएगी इस विषय में। देखिए, कल हुल दिवस है, ये काफी इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज पूरा राज्य इस दिन का इंतजार करती है। कल हुल दिवस के अवसर पर सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई राज्यों से लोग यहाँ आते भी हैं और बहुत बड़ी वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित भी की जाती है, सरकार के द्वारा भी, आम लोगों के द्वारा भी, राजनीतिक दलों के द्वारा भी। और इस बार जिस तरीके से संक्रमण को ध्यान में रखकर कई चीज़ों पर पाबंदियां हैं, आज इस कार्यक्रम में भी हम लोग इस कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा है, इसका हमें खेद है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगले साल से फिर से ये कार्यक्रम आयोजित हो, इसका इंतजार सबको रहे। रामेश्वर मुर्मू वाले मामले में सर क्या? देखिए, इसमें तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जानकारविद लोग वहां अपने अपने स्तर पर लोगों ने जांच की है। कई लोग इस विषय को दूसरी तरफ मोड़ देने की भी तैयारी कर रहे हैं। सिद्धू कानू वंशज की हत्या हुई है या कोई और वजह है उनकी मौत का, ये जांच का विषय है। और जांच को लेकर के भी कई बातें आ रही हैं, आने दीजिए, वो चीजें जब हमारे समक्ष आएंगी तब जिन जिन लोगों की जो बातें हैं उन सब बातों को भी ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। बिहार चुनाव पर भी हमारी नजर है, संगठन इस पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर अभी से रोक लगा दिया है, उसमें टिकटॉक है, पबजी है, बहुत सारे हैं। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा और कई निर्णय ले भी रही है और इसका असर और इसका प्रभाव
अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। अब आगे देखना है क्या होता है, जैसे कि कोरोना की स्थिति में हुई है। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।